हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वॉवल साउंड आ। ये सब आपको सुनने में लग रहा होगा ये हिंदी है, बट एग्जैक्टली जिस तरह से हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं उसमें से 5 वॉवल लेटर्स होते हैं और बाकी हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। सो ऐसे में हम जो बात करने वाले हैं वो साउंड्स की करने वाले हैं। अगर साउंड्स की बात करें तो वो ज़्यादा होते हैं, फिर चाहे आप इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें, साउंड्स हमेशा साउंड्स ही होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हमारे लेटर्स हैं जिनसे कि शॉर्ट वॉवल साउंड आ, शॉर्ट वॉवल साउंड आ बनता है। कई लेटर्स हैं हमारे जिनके थ्रू हम अ साउंड जनरेट करते हैं। वी कैन सी हियर, सो लेट्स स्टार्ट। अ, अग्री। यस फ्रेंड्स, इट्स अग्री नॉट एग्री, ये है अग्री। अग्री, अग्री। देन अमित, अमित जो है वो नाम है, नाम के साथ आप चाहें तो ए का साउंड आ या आ दोनों ही हो जाता है। कई बार आकाश के लिए आप ए के ए एस एच करते हैं और कई लोग इसमें डबल ए भी ऐड कर लेते हैं। सो थोड़ा सा स्पेलिंग जो नाम के लिए है उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देन हम देखते हैं अल्टो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज कई लोग इसको अल्टो कहते हैं, कई लोग इसको अल्टो कहते हैं। अगर आप इसको अल्टो कहते हैं इट मीन्स आप यूएस की इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर आप इसको अल्टो कहते हैं इट मीन्स आप यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश बोल रहे हैं। सो बोथ आर करेक्ट। देन हम बात करते हैं ई की। ई में क्या है फ्रेंड्स, ई से भी अ साउंड जनरेट होता है। कैसे? वी कैन सी हियर, या हम ये कहें कि जब भी आर के पहले ई आएगा या ई आर का कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पर ई साइलेंट हो जाएगा, हम ये भी कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये एक आ साउंड जनरेट कर रहा है। कैसे हम देखते हैं, बर्थ, बर्थ, बी ई आर, बट साउंड क्या आ रहा है, बर, बर्थ। ओके, देन ओवर, ओवर। बेसिकली अगर ए टू जी पढ़ें तो ई का साउंड होता है ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट। बट अगर हम इसकी बात करें कि अगर हम इसे ई के साथ आर के साथ यूज कर रहे हैं सो क्या बन रहा है, अ, बर्थ, ओवर। देन ये बर्थ कौन सा है, बी आर टी एच, जो रेलवे, रेलवेज में आपने सफर किया होगा, जो ट्रेन होती है हमारी ट्रेन के अंदर जो बर्थ सीट्स अवेलेबल होती हैं, वो जो सीट होती है लोअर बर्थ अपर बर्थ, ये वो वाला बर्थ होता है। देन वी कैन गो फॉर आई, आई से भी बर्थ बनता है, आई से भी साउंड आता है और वो वाला जो बर्थ है यू कैन सी हियर बी आई, इट्स वेरी कॉमन, हैप्पी बर्थडे लाइक दिस। सो ये आई वो बर्थ वाला है, जन्म वाला। देन आई के साथ भी अगर आर आ रहा है सो यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि या तो ये साइलेंट हो गया है या फिर इसको आप आ समझ सकते हैं, बर्थ। देन स्कर्ट, एस के आई आर, स्कर्ट, फ्लर्ट। सो यहाँ पे हम आई को एज इसके साउंड को क्या करते हैं, आ की तरह ही समझ रहे हैं। देन ओ पे आ जाते हैं, ओ कैसे बनाता है आ साउंड। ओके, सो ओ से स्टार्ट हो रहा है बट ये ओवन नहीं है, ये है ओवन। ओवन मीन्स हमने जो साउंड आ ओ के लिए लिया वो क्या है, आ। देन अनियन, अनियन, ये ओनियन नहीं है, अनियन, अनियन, बोथ ओ, दोनों ही यहाँ पे अ साउंड क्रिएट करते हैं। देन वी कैन सी फ्लेवर, फ्लेवर, यहाँ पे ओ यू है, ओ यू एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा है कि कहीं कहीं अपनी जगह बदलता है और ये अपना साउंड बदलता रहता है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अ साउंड दे रहा है जो कि ओ की तरह अगर हम देखें, फ्लेवर, फ्लेवर। ओके, देन कंटेंट, कंटेंट, जो एक कंटेंट है आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंटेंट और कंटेंट दोनों ही सही हैं। अब हम समझ लें कैसे, अगर आप इसको अ कहते हैं, इस ओ साउंड को हम अप ओ कहते हैं सो ये हो जाएगा कंटेंट, और अगर आप इसको आ जिसके आज हम बात कर रहे हैं अगर कंटेंट कहते हैं तो इनके मीनिंग बदल जाएंगे। कंटेंट के टाइम पर मतलब होता है कंटेंट का कि कोई मैटर लिखा हुआ है, हमारे पास कोई मैटर सेव है, सो ये जो है कोई डेटा है ये हमारा क्या है, मैटर, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, कंटेंट, कंटेंट है हमारे पास। बट अगर हम इसको कंटेंट कहते हैं जिसके कि आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट वॉवल साउंड की, कंटेंट, सो कंटेंट जो है वो क्या है, बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, कंटेंट।
सो यस फ्रेंड्स, स्पेलिंग सेम है, इसके प्रोनंसिएशन से डिपेंड करता है कि क्या होगा, इसका प्रोनंसिएशन डिसाइड करेगा कि इसका मीनिंग क्या होगा. नाउ यू कैन सी यू, यू इट्स वेरी क्लियर. अगर आप ए टू जी पढ़ें तो वहां भी तुम साफ पता चल जाता है कि यू का साउंड आ होता है. अम्ब्रेला, अगली, सो यू कैन सी बर्न, बट, कट, अप, कप. ओके, नाउ वी कैन डिस्कस ई ए. ई ए क्या है फ्रेंड्स? ये टू वॉवल साउंड से आपस में मिक्स हो रहे हैं. यहां पे साउंड क्या बन रहा है? साउंड बन रहा है अ, अ, ई ए. साउंड बनेगा आ, या ये कह लें कि ये साइलेंट है. ओके, सो वी कैन सी लर्न, अर्न, अर्थ. यहां पे ई ए का साउंड क्या आ रहा है? आ ही आ रहा है. हमने ये समझा कि कैसे शॉर्ट वॉवल साउंड यहां पे आ क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आ, लॉन्ग वॉवल साउंड आ, जिससे होता है हमारे में अ, आ. तो अ जो है वो शॉर्ट वॉवल साउंड है अ, और लॉन्ग हो जाएगा आ. ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.